For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Siddharth Shukla is undoubtedly the king of Big Boss. Yes, जैसा सभी ने कहा है और हम भी ऐसा मानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला ही बिग बॉस के किंग हैं. उनके इर्द गिर्द पूरा शो रिवॉल्व होता रहता है और हर दूसरे दिन सिद्धार्थ शुक्ला ट्रेंड होते हैं और टारगेट होते हैं घर वालों से. ऐसा मुझे भी अब लगने लगा है, स्पेशली जिस तरीके से वीकेंड का आउटपुट निकल कर आया है, जिस तरीके से उनकी बहस हुई, जिस तरीके से रश्मि देसाई ने चाय फेंकी. भाई, बींग अ गर्ल, मैं ये बात बोलना चाहूंगी, वहां पर लिटरली वुमेन कार्ड खेला गया. एक नौकरानी वर्ड को पकड़कर आपने इतना रायता किया है, इतना रबड़ किया है उस चीज को, आपने पोक किया है सिद्धार्थ शुक्ला को. और उसके बाद पोक करने तक ही सीमित नहीं रहे, एक कॉन्वर्सेशन होती है कि हाँ हाँ चल निकल, हाँ तेरे जैसी तो मैं नहीं हूँ. तो सिद्धार्थ ने भी रिपीट में बोल दिया, हाँ तेरे जैसी मुझे भी नहीं चाहिए, या समथिंग लाइक दैट. इस चीज पर इतना रोना, इतना गुस्सा, इतना डिस्कशन, I just couldn't tolerate it because this was heights. Even सलमान खान got pissed off. सलमान भी पिस ऑफ हो गए इस चीज से, बिकॉज दिस इज स्टूपिड. इस सब चीज को सोशल मीडिया पर डेफिनेटली फैंस ने एक अलग ही लेवल दे दिया है और सिद्धार्थ शुक्ला इज अगेन ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर. यस, थर्ड नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला, द किंग ऑफ बिग बॉस सीजन 13, विद द हैशटैग स्टॉप टारगेटिंग सिद्धार्थ, स्टॉप टारगेटिंग सिड. इस हैशटैग से ट्वीट जा रहे हैं. टोटल अभी तक की अगर मैं ट्वीट्स की बात करूं, 382,000 ट्वीट्स. यस, 382K ट्वीट्स आ चुके हैं इस चीज पर, स्टॉप टारगेटिंग सिद्धार्थ. दैट मींस डेफिनेटली दिस गाय हैज सेट अ बेंचमार्क. इन्होंने बेंचमार्क क्रिएट कर दिया है और हर दूसरे दिन सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो ट्रेंड करते हैं. और इस बार स्टॉप टारगेटिंग सिड को, इस हैशटैग को मैं भी सपोर्ट करूंगी, बिकॉज आई रियली फील कि दिस वॉज स्टूपिड. कैसी लड़की, रश्मि देसाई जैसी लड़की. इस चीज को इतना एग्जैजरेट किया गया है. रश्मि का कोई हक नहीं बनता वो इस तरीके से चाय फेंक दें, और फिर अरहान ने भी वही चीज की. सो दिस वॉज वेरी स्टूपिड. थैंक गॉड कि सलमान ने एटलीस्ट क्लैरिफाई किया, बट ये मेरा ओपिनियन था. सिड इज ट्रेंडिंग अगेन हैप्पीली. आपका क्या ओपिनियन है ये आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में. दिस इज ज्योतिना हक साइनिंग ऑफ.